वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और बेहद खुशी की बात है कि आज एक हमारे दोस्त तकरीबन 200-250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आज मेरे ऑफिस पे मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि वो चल नहीं सकते, दिव्यांग हैं दोनों पैरों से। बड़ी खुशी हुई मुझे पवन से मिलके। पवन मेरे साथ में है। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और बस आपकी वीडियो देखी सर, बस इम्प्रेस हो गया जी। दिल में इतनी खुशी हुई कि कोई तो है जो लोगों के बारे में सोचते जी। इसलिए मैंने सोचा कि आप मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज के ज़माने में कौन किसके लिए करता है इतना जितना तुम करते हो, भाग दौड़ करते हो, मेहनत करते हो, लोगों की हेल्प करते हो। यह कहना चाहता हूँ मैं तो बस ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही करते रहो। और मतलब मैं कह नहीं सकता, दिल से इतनी अंदर से दुआ निकलती है मेरी आपकी जी। जब से मैंने आपसे वीडियो देखना शुरू किया है तब से मैं इतना ही हो गया कि मुझे मिलना है, 100% मिलना है आपसे, और आज मैं कामयाब हो गया। पवन, कितना किलोमीटर का सफ़र तय किया आपने? अब लगा लो सर 3 बजे से सुबह से चल रहा है। सुबह 3 बजे से कितना टाइम? देखिए, सुबह 3 बजे घर से निकले हैं, अलीगढ़ के पास इनका गाँव है, वहाँ से निकले और सुबह 7 बजे मेरे ऑफिस पे आ गए। पवन यार, आपके पोलियो है दोनों पैरों में, आप चल नहीं सकते, आप इतनी हिम्मत कैसे? सर आपको देख के इम्प्रेशन, मतलब मैं बता नहीं सकता ना, तुमको देख के वो चीज पैदा हुई जो तुम कर रहे हो ना, वो हमेशा मैं चाहता था कि मैं भी करूं ऐसे। और मुझे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा करने वाला तो ऑटोमेटिकली मान लो कि आपका भी स्वभाव ऐसा है, अंतर मेरा भी है, मैं कर नहीं पा रहा, आप कर रहे हो, बस यही अंतर है। बाकी देखो, आपको मैं बता नहीं सकता कि आपका कितना अंदर से कितनी इज्जत करता हूं मैं आपकी, ये सब देख के अच्छा लगता है। किसी को देखो तुम किसी की मदद करोगे, अभी मान लो रिक्शे वाले को मैंने 50 रुपये दिए जबकि 50 रुपये कम नहीं था, चला गया खुश हो गए, 20 रुपये फालतू तो दे दिए, क्या आप कर रहे हैं, 20 रुपये तो यूँ ही खर्च हो जाते हैं आदमी के। अगर मान लो मैं बचा के रखूँगा तो उससे क्या करूँ, या आप बचा के रख लो क्या कर लोगे उससे। तो बस यही है सर, आपका काम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप दिन रात ऐसी मेहनत करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, ऊपर वाला ये मेरा पूरा भरोसा है। बहुत 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 खुशी हुई। मिठाई तक लाए हो यार, ये तो मेरा मुंह मीठा कराने के लिए लाया हूँ। तो कोई ऐसा काम कर रहा है उनका मुंह मीठा कराना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बस आगे करते रहना ऐसे। मेरे बस यही कहना है आपसे, और कुछ नहीं कहना है। नहीं मुझे किसी हेल्प की जरूरत है आपसे जी, ना ही किसी चीज़ की जरूरत है मुझे, बस मेरा यही कहना है आप करते रहना। आगे मुझे कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे कोई, मैं जानता हूँ मुझे नहीं पड़ेगी कभी, इतना मैं जानता हूँ मुझे कभी नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने दम पर काम करने वाला हूँ। पवन के बारे में बता दूं, पवन जैसे हमने बात की पवन से, तो पवन ने अपने गांव के आसपास जितने गांव हैं, 100 से ज़्यादा गांव हैं, उन गांव में घूम के जितने भी दिव्यांग थे जो पैरों से चल नहीं सकते थे या किसी भी तरीके से, करीबन 18,000 ऐसे दिव्यांगों को जनपद बुलंदशहर और अलीगढ़ जनपद बुलंदशहर में उनको ढूंढा, उनके मोबाइल नंबर, उनके पते लिए। और इसलिए कि ये चाहते हैं कि जैसे सरकार हरियाणा दिल्ली में एक बड़ी रकम देती है, 2,000-2,500 रुपये दिव्यांगों को मासिक मिलता है, शुल्क मिलता है उनको, और यूपी में केवल कितना मिलता है, 500 रुपये मिलता है। तो पवन ने सोचा कि मैं कुछ करूं इन लोगों के लिए, बहुत अच्छी पहल है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा हमारी सरकार से कि ऐसे लोगों का साथ दे। 500 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता, और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, लेकिन बजट भी बहुत है, अगर आप सोचोगे तो हो जाएगा। पवन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिल से सलाम आपको। धन्यवाद तो सर आपका, जो हमें समय दिया मुझे। नहीं, मैं हमेशा ऑलवेज, आप इतना बिजी रहने के बाद में समय देना भारी पड़ता है ना सर। नहीं, आपके लिए पवन मैं बताऊँ आपको, मुझे पता नहीं था कि आप जब आप चल के आए ना, मैं शौक एकदम, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब आप आए ना निकल के, तो मैं सोचा कि क्या एक दिव्यांग मुझसे मिलने के लिए आया, पैरों से मौजूद है, वो चढ़ के आ रहा है। और फिर मैं देखा कि अच्छे खासे पैरों वाले एक बार आ जाए तो चलो भाई ठीक है, लेकिन 300 किलोमीटर से चल के मेरा भाई आया है गाड़ी में, ऑटो में, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। तो हिम्मत मत हारो, पवन जैसे बनो और हिम्मत से काम लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू पवन, बहुत बहुत थैंक यू, आप प्यार दे रहे हैं। और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत को ख़त्म कीजिए, हिंदू मुस्लिम की जो दीवार है उसको ख़त्म कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर। परेशान की, बहुत 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 शुक्रिया पवन, बस यूँ ही प्यार देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।